1975 अक्टूबर में इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई थी। उसके बाद दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं फेरर हॉल, जो कि मैरियट होटल के ऑपोजिट है। ये कंस्ट्रक्शन तकरीबन 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो चल के आपको ये वाली वीडियो दिखाते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम लोग आज आए हैं फेरर हॉल, जो कि मैरियट होटल के बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे विज़िट करना चाह रहा था, लेकिन किसी अपनी मसरूफियात की वजह से यहाँ पे नहीं आ सका। तो मैंने कहा आज यहाँ से मेरा गुजर हो रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों को यहाँ का विज़िट कराया जाए, ये जगह दिखाई जाए कि ये जगह हमारी कितनी पुरानी है। पाकिस्तान की आज़ादी से पहले की ये जगह बनी हुई है। ये पीछे जो आप फेरर हॉल देख रहे हैं, ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी, ये 1863 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, ओके, अगस्त में, और 1865 अक्टूबर में इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई थी। उसके बाद से ये अंग्रेज़ों के दौर की ये कंस्ट्रक्शन है, जो माशाल्लाह से अभी तक, अगर एक बहुत ज़बरदस्त जगह है ये पार्क एरिया जो आप देखते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, वॉक करते हैं और जॉगिंग वगैरह के लिए आते हैं, अपनी फैमिलीज़ के आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो वही जो हमेशा से आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जब भी ऐसी किसी जगह पर आएँ तो उसके सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखें। कचरा वगैरह, आप अगर कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, आइसक्रीम जो भी यहाँ पे आए खा रहे हैं, यार आपका ही मुल्क है, आपका ही शहर है, इसका ख्याल रखें। और सफाई का ख़ास ख्याल रखें, ये मेरा मेन पॉइंट है। तो आपको चल के बाकी फेरर हॉल दिखाते हैं और फिर आओ मेरे साथ। इस जगह की जो आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था हेनरी सेंट, उन्होंने इस जगह का सारा डिज़ाइन किया। और अभी चल के हम बाकी का आपको एरिया दिखाते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे खैरियत से आप? अच्छा, यहाँ पे ये आप ये इसमें सैर करवाते हैं बग्गी में? बग्गी में कितने पैसे लेते हैं? अंदर अंदर का 100 रुपये लेते हैं। एक फेरा दिलाने के पूरा? नहीं नहीं, ये बगीचे, इस बगीचे का यहाँ से पूरा एक राउंड लेके। अच्छा ठीक हो, तो कब से कब तक होते हैं यहाँ पे खड़े आप? ये रात को 9 बजे तक। कब आते हैं? सुबह 4 बजे आते हैं। शाम को 4 बजे आ जाते हैं और 9 बजे तक होते हैं। रोज़ रश किस दिन ज़्यादा होता है यहाँ पे? इतवार को ज़्यादा रश होता है, लोग आते हैं आराम से। ठीक हो गया, तो ये पब्लिक के लिए फ्री है आना यहाँ पे? हाँ फ्री है। अच्छा, एक आप चक्कर के मारे 100 रुपये लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोस्तों, मैं इसके मेन डोर पे गया था, पीछे वहाँ पे डोर इसका बंद कर दिया गया है। वहाँ से एक लाइब्रेरी है जो लियाकत अली ख़ान के नाम से रखी गई है, लियाकत लाइब्रेरी, जो इसके ग्राउंड फ्लोर पे है। और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो बंद है, पब्लिक के लिए अंदर जाना अलाउ नहीं है। और इसके फर्स्ट फ्लोर पर छत पर सूर रहमान लिखी गई है पूरी। वो एक आर्टिस्ट थे सात कैन नाम से, उन्होंने इसके ऊपर सूर रहमान लिखी थी। तो वहाँ पे एक पूरा वो है हॉल है जहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, लेकिन वो भी बंद है अभी। और इसकी अगर फेयर हॉल की हाइट की बात करते हैं तो 144 फीट इसकी हाइट है। तो आप लोग लाजमी यहाँ पे विज़िट करें, बहुत ही बेहतरीन जगह है। 7 डेज़ अ वीक ही ओपन होता है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। अब गाड़ी की पार्किंग तो हमने करी है, चार्जेस तो नहीं थे ना? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टिकटॉकर ही बहुत होते हैं, यहाँ पे होते हैं टिकटॉक बनाने आते हैं बहुत सारे। हम लोग भी आए यूट्यूब अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी जगह बहुत अच्छी है, बहुत पीसफुल है। आप यहाँ वॉक कर सकते हैं, रनिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पे आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि हर पार्क कराची का, जैसे हिल पार्क और बाकी डिफरेंट पार्क कराची के, हम लोगों ने गंदे किए हुए, इसको भी काफ़ी हद तक लोगों ने गंदा किया हुआ है। आप लोग आएँ भाई तो अपने साथ एक शॉपर ले आएँ काम चल, और उसी में अपना कचरा डाल के किसी डस्टबिन में फेंक दें, कोई मुश्किल काम नहीं। अपने बच्चों को आपको अच्छी चीज़ सिखाएंगे, कल को वो आगे, वो बात आगे फैलेगी। अगर आप खुद ही बच्चों के सामने उठाए कचरा फेंक देंगे यहाँ पे पार्क्स में, डिफरेंट जगहों पे, तो ये मैसेज आपका और वही सीखेंगे बच्चे आपके। तो यही आप लोगों को मैसेज कन्वे करना था कि इस जगह पर आएँ, बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह है, बिल्कुल मैरियट होटल के अपोजिट है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हम लोग जा रहे थे यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, और मगरिब का टाइम भी हो गया है, तो मैंने कहा इससे पहले अंधेरा हो जाता आप लोगों को ये भी जाते हुए दिखा देंगे। भाई जो काम अच्छे हो रहे हैं हम वो भी दिखाते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे तरक्कियाँ थी, काम भी माशाल्लाह से हो रहे हैं, जो कि होने चाहिए लाजमी। हमारे यहाँ पे पार्क्स की बहुत कमी है, इंटरटेनमेंट की लोगों के लिए बहुत कमी है, फ्रस्ट्रेशन लोगों में भरी हुई है। पहले कुछ थोड़ा सा कुछ होता था, हम लोग उसी में इतना खुश हो जाते हैं। पहले बारिशों ने लोगों को बेहाल कर दिया भाई। तो यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें, लेकिन जगह का ख्याल भी करें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं अभी इनके मेन डोर तक गया था, वहाँ पीछे एक डोर है जहाँ सही है। पीछे कहाँ रहे?